एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज तो नंबर वन इन एस्ट्रोलॉजी। आपको जानना है कि कैसा बीतेगा आपके लिए 21 जून, यानी कि ग्रहण वाला दिन, यानी कि आपका संडे। तो 21 जून 2020 लग रहा है सूर्य ग्रहण, साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है। इसके पहले लगा था सूर्य ग्रहण 2019 में, 26 तारीख थी, और उस समय से जो त्रासदी शुरू हुई थी वो हम अभी तक झेल रहे हैं। हालांकि उम्मीद तो हम ये लगा रहे हैं कि इस जून के सूर्य ग्रहण के बाद से चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़नी शुरू हो, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? ये जानने के लिए आपको पूरा सूर्य ग्रहण समझना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो बना रखी है मैंने, और ग्रहण पर असर क्या क्या होने वाला है आपकी राशियों पर, उससे जुड़ा एक अलग सा वीडियो है, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आज के राशिफल के पहले में ग्रहण बहुत संक्षेप में बता दे रही हूँ कि कितने बजे लगना है और कहाँ कहाँ दिखाई देना है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार ये आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को लगना है सूर्य ग्रहण। मिथुन राशि में लगेगा मृगशिरा नक्षत्र, और ये ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होगा और कंकण इसका हो जाएगा 10:17 सुबह के ही। फिर आएगी परम ग्रास की अवधि, तो परम ग्रास है दोपहर के 12:10 और इसके बाद कंकण की समाप्ति होनी है 2:02, ये दोपहर के होंगे, और फिर दोपहर के 3:04 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ग्रहण की अवधि जो है वो 5:48:03 की होगी और कंकण होने की अवधि लगभग 38 की है। 21 जून को चूंकि विशिष्ट ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस समय में बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, राहु और केतु वक्री अवस्था में रहेंगे, और राहु और केतु चलते तो हमेशा वक्री ही हैं, लेकिन ये सारे इस दौरान वक्री रहेंगे और बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इन पर ग्रहण मध्यम फल देगा, और बाकी की जो राशियां हैं इन पर या तो शुभ फल मिलेंगे या तो अशुभ फल मिलेंगे। चूंकि ये सूर्य ग्रहण लग मिथुन राशि में रहा है, तो मिथुन राशि वालों को खास तौर से इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा उन्हीं पर रहेगा। इसके अलावा ये किन के लिए फायदेमंद होगा, तो वैद्यों, डॉक्टरों और ज्योतिषियों के लिए ये ग्रहण काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। डॉक्टर्स, खास तौर से रिसर्चर्स जो अभी कोरोना के वैक्सीन के ऊपर या एंटीडोट्स के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर हाथ लगेगी इस ग्रहण के प्रभाव से। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के राशिफल पर, और शुरुआत पंचांग से हमेशा की तरह। तारीख 21 जून 2020 की, दिन होगा रविवार का, माह आषाढ़, पक्ष कृष्ण, तिथि अमावस्या, और अभिजीत मुहूर्त है 11:54 से 12:50 तक। राहु काल ये होंगे शाम के 5:37 से 19:22, यानी कि शाम के 7:22 तक। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ, इस दिशा की तरफ ना आपको यात्रा करनी है ना इस दिशा की तरफ मुख रखकर कोई काम करना है। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए ग्रहण की अवधि जब समाप्त होगी उसके कुछ ही टाइम के बाद राहु काल की अवधि भी शुरू हो जाएगी। तो इस दिन को कोई खास काम करने से बचिएगा, कोई नया काम शुरू मत ही करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा आपको गुरु के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है, तो आज ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं गुरु के बारे में, क्योंकि आज ग्रहण के बारे में ज्यादा जानकारी दे दी है, कल बताऊंगी फिर से गुरु के बारे में। लेकिन गुरु हर लग्न में शुभ और अशुभ फल देते हैं। मेष लग्न के लिए बृहस्पति गुरु जो हैं ये योग कारक हैं, वृषभ और मिथुन लग्न के लिए ये थोड़े से अच्छे फल नहीं देते, पाप फल देते हैं। फिर कर्क, सिंह लग्न के लिए बृहस्पति शुभ होते हैं, लेकिन कन्या और तुला के लिए फिर ये अशुभ फल देते हैं। अब ये फल शुभ अशुभ कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में तो आपको लगातार जानकारी मिल ही रही है। मीन राशि वालों के लिए बता दूं कि अगर आपका लग्न कुंडली में मीन है तो आपके लिए भी बृहस्पति शुभ फल देते हैं, क्योंकि आपकी राशि के तो ये स्वामी होते हैं। अब राशिफल की शुरुआत और बात मेष राशि की। तो दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से कर सकते हैं, ऐसा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ऊर्जा आप में जबरदस्त रहेगी। लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आज थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। संबंधियों से आपको सहायता मिलेगी, आप गुलाब की खुशबू से खुद को आज सराबोर पाएंगे। गुलाब की खुशबू का मतलब ये नहीं कि आपको पौधे की या फूलों की खुशबू मिल रही है, आपको आज खुशनुमा दिन लगेगा बावजूद इसके कि आज सूर्य ग्रहण है।
प्यार की मदहोशी की ये खुशबू होगी जिसे आपको महसूस करना है। आप खाली समय से आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद कर दीजिएगा, आपका जीवन साथी इससे चिढ़ जाएगा, क्योंकि आज आप उनसे बात नहीं करेंगे, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे तो उसमें उन्हें चिढ़ हो जाएगी। विवाह के बाद कई बातें ज़रूर से आगे बढ़कर अनिवार्य हो जाती है, जैसे उनको तवज्जो देना, उनका ख्याल रखना, लेकिन आप इन चीज़ों में आज दूर रहेंगे इन चीज़ों से, तो इस वजह से आज आपका जो दाम्पत्य है वो डिस्टर्ब रहेगा। लकी नंबर है आपके लिए 1, यानी कि एक लकी कलर है आपके लिए नारंगी और सुनहरा। उपाय क्या कीजिएगा, तो स्त्रियों को सफेद वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। अगली राशि वृषभ राशि। रचनात्मक काम आपको सुकून देगा, आकस्मिक मुनाफा या सट्टाबाजी के जरिए आर्थिक हालात थोड़े से सुधरेंगे, दोस्तों और परिवार के साथ आप मजेदार समय बिताएंगे, लेकिन मोहब्बत के मोर्चे पर आज आपकी तूती बोलेगी, क्योंकि आपका महबूब आपकी जो कल्पनाएं हैं इनको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार रहेंगे। आज आप अपना खाली समय माता जी की सेवा में बिता देंगे, लेकिन ऐन मौके पर किसी के आ जाने की वजह से आप जितनी शिद्दत से सेवा करना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी और इससे आप परेशान होंगे। जीवन साथी किसी खूबसूरत सरप्राइज से आपका दिन बना सकता है। आज के दिन बाहर का भोजन आपके पेट की हालत थोड़ी सी बिगाड़ सकता है, बाहर का खाना खाने से बचिएगा। लकी नंबर आपके लिए भी 1 है, लकी कलर है आपके लिए नारंगी और सुनहरा। उपाय क्या करना है, ऑफिस की चिंता से छुटकारा पाने के लिए आज आपको हनुमान जी या भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। अगली राशि मिथुन राशि। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, खासतौर पर माइग्रेन के मरीजों को समय समय पर खाना नहीं छोड़ना चाहिए, सही समय पर आप खाइए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। फौरी तौर पर आपकी ये जो मजा लेने की प्रवृत्ति है उस पर थोड़ा काबू पा लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता कई पॉजिटिव रिजल्ट्स आज आपको दिला सकती है। समय, कामकाज, पैसा, यार दोस्त, नाते रिश्ते सब एक तरफ और आपका प्यार आज एक तरफ रहेगा, आप दोनों एक दूसरे में खोए रहेंगे, कुछ ऐसा मिजाज रहेगा आपका। घटनाएं अच्छी रहेंगी लेकिन थोड़ा स्ट्रेस दे जाएंगी, इसकी वजह से आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। इसके अलावा जीवन साथी से आज आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लकी नंबर है आपके लिए 8, यानी कि 8। लकी कलर है आपके लिए ब्लैक और ब्लू। उपाय क्या कीजिए, तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाल मिर्च को भोजन में संतुलित प्रयोग कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। अगली राशि कर्क राशि। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन की वजह से आपको थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। आज कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे उधार मांग सकता है, उन्हें पैसे लौटाकर आप आर्थिक तंगी में आ जाइएगा। आपको मेरी सलाह यह है कि उधार देने से बचना है आपको। दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे, दिन रोमांचक है क्योंकि आपके प्रिय का फोन आ जाएगा और ये आपका दिन बना देगा। वक्त से हर काम पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आज आप अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे। अगर आप हर काम को कल पे टालते हैं तो कल भी समय नहीं मिलेगा, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। दोस्तों के साथ मजाक करने के दौरान अपनी सीमाओं को लांघने से बचिएगा, नहीं तो दोस्ती खराब हो सकती है। लकी नंबर है आपके लिए 2, यानी कि 2। लकी कलर है आपके लिए सिल्वर और व्हाइट। उपाय क्या करना है, तो धन प्राप्ति के लिए आपको दूध या जल में केसर डाल के इसका सेवन करना है। अगली राशि है सिंह राशि। आपकी सेहत अच्छी रहेगी सिंह वालों, लेकिन यात्रा आपके लिए थोड़ी सी थकाऊ और स्ट्रेसफुल हो सकती है। व्यापार में मुनाफा आज हो सकता है और इस वजह से आप खुश रहेंगे, जरा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि बड़े बुजुर्ग इससे आहत हो सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद मत कीजिएगा, शांत रहिएगा। याद रखिएगा कि समझदारी से काम कीजिएगा तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। इसके अलावा प्रेमी प्रेमिका आज अपने मनोभाव को खुलकर नहीं रख पाएंगे, इस वजह से आपको खिन्नता होगी। आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे हालांकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जीवन साथी आपके बारे में क्या सोचता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जीवन साथी के साथ आपके और जीवन साथी के बीच में रिश्ते में कोई तीसरे की एंट्री हो सकती है और इस वजह से आप दोनों को कुछ दूरी का सामना करना पड़ सकता है। सफलता पाने के लिए आप कुछ सपने आज देख सकते हैं, लेकिन दिवा स्वप्न में खोए रहना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। लकी नंबर है आपके लिए 9, यानी कि 9। लकी कलर है आपके लिए रेड और मरून। उपाय क्या कीजिए, तो शराब को पूरी तरीके से त्याग दीजिए, पारिवारिक जीवन के लिए यही जरूरी है। अगली राशि कन्या।
अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता मत करिएगा, निश्चिंत रहिएगा। बीमारी की सबसे बड़ी दवा है निश्चिंतता। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। जो लोग अब तक पैसों के बिना वजह उड़ा रहे थे, उन्हें अब इस आदत पर काबू पा लेना चाहिए। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बुलाइएगा और ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी में ज्यादा तवज्जो देता हो। जिंदगी में जो आपकी आपाधापी चल रही है उसके लिए आज आपको उस बीच थोड़ा वक्त मिलेगा अपने काम को करने के लिए, और आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। दिन के पहले भाग में खुद को थोड़ा सा आप अलसाया सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में घर से जब बाहर निकलने की आप हिम्मत जुटा लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लकी नंबर आपके लिए 8 यानी कि 8 लकी कलर है आपके लिए ब्लैक और ब्लू। उपाय क्या करना है आपको? मांसाहार छोड़ना है, इससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। रोज के लिए नहीं तो कम से कम आज के लिए तो छोड़ ही दीजिएगा। तुला राशि, जरूरत से ज्यादा खाने से बचिएगा। सेहतमंद अगर रहना है तो आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा। यात्रा पर जाने वाले हैं तो कीमती सामान का थोड़ा ख्याल रखिएगा, चोरी हो सकते हैं ऐसे सामान। खासतौर से पर्स आपको बहुत संभाल के रखना है। परिवार में दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। अब वो आदतें जो आप में अहम का भावना जगाने को काफी होती थी। जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा आपका पूरा परिवार। आपका बदला हुआ व्यापार और बदला हुआ रूप उन्हें बहुत खुशी देने वाला है। इस खूबसूरत दिन को आप प्रेम संबंधों में भी निखरा हुआ पाएंगे। आज समय निकालकर आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि लव मेट के साथ वक्त बिताए, जो कि मुश्किल है। इसके अलावा जीवन साथी की मासूमियत आज आपका दिन बना देगी। स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उनके सीनियर से थोड़ा सा उनका मनमुटाव हो सकता है। हालांकि बच्चे अभी स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, फिर भी स्कूल ना भी जाएं तो भी सीनियर से मनमुटाव हो सकता है, किसी गलतफहमी का शिकार हो जाएं। खैर, अपने गुस्से पर आप काबू जरूर रखिएगा। लकी नंबर है आपके लिए 1, लकी कलर है आपके लिए नारंगी और सुनहरा। उपाय क्या करना है? तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो नहाने के पहले आपको नाभि से तेल लगाकर पूरे शरीर में तेल मल लेना है और उसके बाद स्नान करना है, तो इससे आपको बहुत सारा फायदा मिल सकता है। अगली राशि वृश्चिक राशि, किसी संत पुरुष का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति दे सकता है। जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए थोड़ा आज घातक हो सकता है, जितना हो बचिएगा। इसके अलावा अपनी महफिल में लोगों को दावत आप दे सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के साथ साथ। आपको प्यार से दूर नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए आज स्टूडेंट्स में भी आप में तो रहेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी प्यार का बुखार चढ़ा रहेगा, सर चढ़कर बोलेगा और आपका काफी समय बर्बाद हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले आज आप पढ़ेंगे और आप चुटकी भी लेंगे अपनी शादीशुदा जिंदगी में इस बात पर। और थोड़ा आप इमोशनल हो सकते हैं क्योंकि आपका जो साथी है, पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, वो थोड़ा सा इमोशनल आज आपको कर जाएगा। सहकर्मी की तबीयत खराब हो सकती है और उन्हें आज आप फोन पर कुछ सलाह मशवरा दे सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। लकी नंबर है आपके लिए 3 यानी कि 3, लकी कलर है आपके लिए केसरिया और पीला। उपाय क्या करना है? तो आपको गणेश मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाकर गरीबों में बांटना है, इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लेकिन चूंकि ये ग्रहण का दिन है तो आज के लिए तो ये संभव नहीं है, अगले हफ्ते ये कर लीजिएगा। अगली राशि धनु राशि, कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए आपके मन में कुलबुलाहट मची हुई है और इस वजह से जैसे ही हफ्ते की शुरुआत होगी आप ऑफिस जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। आर्थिक जीवन में खुशहाली रहेगी, आप कर्ज से आज मुक्त हो सकते हैं। शाम का वक्त ज्यादातर मेहमानों के साथ गुजरेगा। आज आपको महसूस होगा कि आपका महबूब आपसे कितना प्यार करता है। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना होगा। आपका जीवन साथी आपके आंतरिक सौंदर्य को बाहर से पूरी तरीके से भी आज महसूस करेगा। दिन की शुरुआत आज कुछ बुरी खबर से हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो पूरा दिन आपका खराब होने से बच सकता है। अपनी वाणी और अपने मन को काबू में रखने की कोशिश कीजिएगा। लकी नंबर है आपके लिए 9 यानी कि 9, लकी कलर है आपके लिए रेड और मरून। उपाय क्या करना है? तो किसी भी स्त्री, जो आपकी बहन हो, बेटी हो, मासी हो, बुआ हो, या अगर आप पुरुष हैं तो आपकी साली हो, तो आपको उनकी सहायता करनी है। ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत शुभ रहेगा। अगली राशि मकर राशि, धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि आपकी समझदारी और आपकी कोशिशें सफलता जरूर दिलाएगी। अगर सफर कर रहे हैं तो कीमती सामान का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों को आपका उदार रवैया आज कुछ गलत फ़ायदा उठाने को उकसा देगा। आपकी शोहरत ज़रूर बढ़ेगी और आज आप दूसरों के प्रति, स्पेशली अपोजिट सेक्स के प्रति आज आप आकर्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा आप पार्क जाने का आज मूड बना सकते हैं, लेकिन पार्क्स तो अभी खुले नहीं हैं, तो हो सकता है कि जब ग्रहण का मोक्ष काल समाप्त हो जाए इसके बाद आप बाहर निकले, लोगों से मिले।
काफी वक्त के बाद आपका जीवन साथी आज आपके साथ एक शांत दिन बिता सकता है। आज हो सकता है कि आप कोई पसंदीदा गीत सुन रहे हो, गुनगुना रहे हो, ये चीजें आपको आज ताजगी दिला जाएगी। लकी नंबर है आपके लिए 9, यानी कि 9 लकी कलर है आपके लिए रेड और मरून। उपाय क्या करना है, तो आर्थिक उन्नति के लिए आपको हरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करना है। अगर वाहन भी हरा है तो क्या कहने। अगली राशि कुंभ राशि, आपका दोस्त, आपका परिचित, किसी खास इंसान के लिए आज का दिन निर्धारित कर रहा है। देखिए क्या होगा कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको किसी ऐसे इंसान से मिलवाएगा जो बहुत प्रभावशाली होगा। आपकी सोच पर उनकी सोच का असर पड़ेगा। धन की आवश्यकता भी हो सकता है कि आज आपको महसूस हो, लेकिन अगर आपने पहले सेविंग्स कर रखी है तो आज आपका दिन बढ़िया बीतेगा, और अगर नहीं की है तो आज से आप सेविंग्स करने की सोचेंगे। मुमकिन है कि परिवार वाले आपकी उम्मीदों को आज पूरा ना करें, इससे आपका मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है। काम करने का तरीका बदलिएगा, तेवर नहीं। प्यार का भरपूर आज आपको लुत्फ मिल सकता है। इसके अलावा काफी व्यस्त जो पिछले दिनों से चल रहे थे, तो आज आपको थोड़े फुर्सत के पल मिल सकते हैं। जीवन साथी के चलते आज आप महसूस करेंगे कि जन्नत धरती पर है। इसके अलावा आप आज अपनी हॉबी से जुड़ा कुछ काम जरूर कर सकते हैं। लकी नंबर है आपके लिए 7, यानी कि 7 लकी कलर है आपके लिए क्रीम और व्हाइट। उपाय क्या करना है, आपको शिवजी या भैरव की पूजा करनी है, संभव है तो हनुमान जी की भी पूजा करिएगा, लेकिन चूंकि आज ग्रहण है तो ग्रहण के टाइम से पहले ही आपको ये पूजा कर लेनी है, या फिर ग्रहण के बाद आपको ये पूजा करनी है। आखिरी राशि मीन राशि, बाहरी गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ये किलेबंदी वाली जो आपकी जीवन शैली है, जिसमें आप बंद कर रह रहे हैं और अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए सही नहीं है, और आज के लिए तो कतई सही नहीं है। आपको ये आदत चिड़चिड़ापन दे रही है और बेचैन कर रही है। आज के दिन आप धन से जुड़ी कोई समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह लेनी चाहिए। किसी पारिवारिक भेद को खुलना आज आपको चकित कर देगा, और आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में आज आप कुछ जादू सा करने की सोचेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको हालांकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आप इस सोच से परे अपने बारे में जरूर सोचेंगे। आज आप अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करेंगे। आज आपको लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं आएगा। जीवन साथी के साथ आज आप अच्छे पल बिताएंगे, ऐसे पल जो आप कभी भुला ना पाए। रिश्तों से परे आपकी एक अलग दुनिया भी है, जिसमें कि आप हैं और आपकी कल्पनाएं हैं, तो आज इस दुनिया में भी आप खो सकते हैं। लकी नंबर है आपके लिए 4, यानी कि 4 लकी कलर है आपके लिए भूरा और स्लेटी। उपाय क्या करना है, तो मसूर की दाल या कुछ पैसे किसी सफाई कर्मचारी को दीजिएगा, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो आपने जाना कि 21 जून, यानी ग्रहण, सूर्य ग्रहण वाला दिन आपके लिए कैसा बीतेगा और आपको क्या सतर्कताएं बरतनी है। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब अगर कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया है फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटिए, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी लेकर मैं भी लौटती हूँ। ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।